ओके सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ वृंदावन। मैंने लगा दी है गाड़ी पार्किंग में। इधर ही लगाते हैं। ठीक है अब सो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ वृंदावन। मैंने लगा दी है गाड़ी पार्किंग में और मुझे अभी पता चला है मम्मी पहले आए हुए थे, मैं नहीं आई हूँ। तो मम्मी जब पहले आए हुए थे उनको पता था कि गाड़ी पार्किंग में लगती है और उसके बाद आपको जाना पड़ता है रिक्शा लेके या ऑटो लेके या टेम्पो लेके। आपको आगे जो भी एक्सप्लोर करना है आप टेम्पो लेके जाओ या रिक्शा लेके जाओ। तो अभी गाड़ी लगा दी है मैंने ये पार्किंग में और मैं जा रही हूँ सीधा कहाँ देखते हैं कहाँ का रिक्शा या टेम्पो लेते हैं तो फिर हम पहुँचेंगे। चलो चलते हैं अभी। पापा वेट कर रहे हैं, मम्मी वेट कर रही है मेरा। लेट्स गो। सो गाइस अभी हो चुके हैं एंटर। इस्कॉन टेम्पल इज़ द फर्स्ट स्टॉप क्योंकि बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो अभी इस्कॉन टेम्पल जाते हैं और देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। अभी हम लोग चल रहे थे और चलते चलते किसी ने रिक्शा वाले ने हमें टोका कि मैडम अपना चश्मा अंदर कर लो नहीं तो यहाँ पे बंदर खींच के ले जाते हैं। तो मम्मी पापा जिसने भी चश्मा पहना सबने उठा के अपनी जेब में रख लिया कि भैया मत बनो इतने हीरो, यहाँ पे बंदर अगर चश्मा ले गया तो हो जाएगा काम। और गाइस यहाँ की सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे सारी शॉप्स की अगर आप देखोगे नाम तो कृष्णा जी के नाम पे, राधा जी के नाम पे और जितने भी बांके बिहारी जी के नाम हैं उन सब के नाम पे ही शॉप्स के नाम रखे गए हैं। गलियाँ एकदम वही पुराने तरीके की बनी हुई हैं और ये जो मंदिर है ये बाहर के लोगों ने आके यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल को बनाया है। इसका जो मेन चीज़ है इस्कॉन टेम्पल की वो लोग क्या बोलते हैं ऑथेंटिसिटी जो आई है वो बाहर से आई है। तो देखते हैं मंदिर में जाके क्या फील आती है। बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए और अपना टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं। ये इतना फेमस क्यों है वो मैं आपको पढ़ के बताऊँगी और चल के देखते हैं कि अभी नज़ारा है कैसा। मैं आ चुकी हूँ शू स्टैंड पर। मैं जूते चलते के बाद गोविंदा स्नैक्स बुक शॉप और ये है एंट्री लेडीज। मम्मी लेडीज की एंट्री में इधर 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 हाथ धो लेते हैं। Thank you.
अभी हम कर रहे हैं परिक्रमा तुलसी जी की, जो कि चार बार करनी होती है। मेरा मैं गलत बोल रहा हूँ।